गाइस व्हाट्स अप, हाउ आर यू गाइस। और मोस्टली सारे अच्छे ही होंगे ये मैं आशा रखता हूँ कि लाइक सबके घर पे और सबकी फैमिली अच्छी ही होंगी। हाँ, अने तमे जो गुजराती छो अने तमे मारो ब्लॉग जो छो तो आज पहली मे छे એટલે કે ગુજરાત સ્થાપના દિવસ, તો તમને બધાને ગુજરાતની સ્થાપના દિવસનું ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ। નેક્સ્ટ થિંગ યે હૈ કે આજ પહેલી મે હૈ તો આજ સે યાને કે 18 સાલ સે ઉપર ઓર 45 યર્સ કે અંદર વાલે કે वैक्सीनेशन स्टार्ट हो रहा है। तो मैंने कल रात को रजिस्टर कर दिया था अपने आप को, यानी रजिस्टर तो मैंने बहुत पहले ही कर दिया था लेकिन स्लॉट नहीं मिल रहा था मेरे को। पता नहीं क्या इशू आ रहा था, वो सब कुछ नहीं पता है, लेकिन स्लॉट नहीं मिल रहा था। शाम को ओपन हो गया था स्लॉट, तो मैंने मेरी बुकिंग कर ली थी। तो आज 12 से 2 बजे के बीच में मुझे जाना रहेगा। आशादीप स्कूल है पूना गाँव के पास, जो मेरे एरिया में आती है, वहाँ मुझे जाना पड़ेगा लेने के लिए वैक्सीन। तो मोस्टली पॉसिबल होगा तो मैं आप सबको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे प्रोसेस होती है, कितनी लोग वहाँ पे है और क्या मैनेजमेंट रहता है, वो सब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो बाय बाय। टाइम हो गया है अभी मोस्टली आधा घंटा, मैं जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्टली वही जगह है वो देखने के लिए जा रहा हूँ। अभी एग्जैक्टली जगह कौन सी है वो देखना है, तो इसके लिए मैं जा रहा हूँ। मेरे पास मैंने सब कुछ ले लिया है, सैनिटाइज़र भी ले लिया है, और आप लोग भी अपने साथ लेके ही जाना वैक्सीनेशन सेंटर। तो चलिए हम जाते हैं। तो मैं आशादीप स्कूल पहुंच गया हूं और यहां पे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर वैक्सीन सेंटर है जहां मैंने बुकिंग किया था मेरा स्लॉट का। वहां जाके मुझे सीधा टोकन दिया गया, मेरा टोकन नंबर है 147, और मुझे बोला गया कि आप अंदर क्लासरूम में जाके अपने नंबर आने तक की वेट कीजिए। वहां पे सब मस्त बैठे हुए थे, यानी पहले की याद में भी ताज़ा कर रहे होंगे। उसके बाद थोड़ा इश्यू आया और मैं भी बाहर आ गया क्योंकि मुझे लगा कि जाना चाहिए, देखना चाहिए क्या हो रहा है। जो भी इश्यू आया था उसकी मैं डिटेल में बात करूंगा ऑब्जर्वेशन रूम में, यानी कि क्या हुआ था वो मैं आप सबको बताऊंगा ऑब्जर्वेशन रूम में, क्योंकि मेरे पास 30 मिनट होंगे। तो अभी मैं जा रहा हूं अंदर वेटिंग रूम में। Much later. यहाँ पर कोविशील्ड दे रहे हैं और मोस्टली लोगों को इश्यू नहीं आया। यहाँ सुबह से हम लोग, यानी मैं और 2-3 लोग हैं जो मैनेजमेंट में बिजी थे, यानी बहुत लोगों की भीड़ थी। आई होप मुझे भी थोड़ी देर में वैक्सीन मिली जाएगी और मोस्टली मैं शूट नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ शायद होगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बाय द वे थोड़ी बहुत मैंने इमेजेस ले रखी है तो वो मैं आपको शो कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने कहा, मैंने वीडियो शूट नहीं किया है बिकॉज मैं फ़ोन में शूट कर रहा हूँ, और मेन चीज़ अंदर मैं किसी को भी ऐसे फ़ोन नहीं दे सकता था। लेकिन जब मैं ऑब्जर्वेशन रूम में गया, मस्त था, आप देख सकते हो यहाँ मस्त रूम और सब शांति से यहाँ बैठे सिवाय मेरे, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और हाँ, वो इश्यू जो मैंने पहले बोला वो अभी आपको बता रहा हूँ कि हुआ क्या था कि सब गड़बड़ हुई। यानी हुआ यूँ था कि यहाँ पे विदाउट रजिस्ट्रेशन एंड स्लॉट बुकिंग किसी को वैक्सीन दी नहीं जा सकती, ये ऑब्वियसली रूल है, सबको पता है। अब काफ़ी लोग यानी यहाँ पे विदाउट रजिस्ट्रेशन या विदाउट स्लॉट बुकिंग करके आ रहे थे, बट स्लॉट नहीं था बुक। तो एक्चुअली इन लोगों के पास 200 ही वैक्सीन होती है, यानी कि पर डे का कोटा। अब आपने स्लॉट बुकिंग नहीं किया तो ये आपको वैक्सीन नहीं दे सकते। अब यहाँ पे थोड़े बहुत लोगों को पता नहीं था कि क्या करना है, इसलिए क्या थोड़ा गुस्सा मिजाज सब कुछ होता है, मुझे नहीं मिलेगी ये वगैरह वगैरह, इसलिए क्या यहाँ पे जो सिचुएशन थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। बाद में थोड़ी देर यानी कि जो स्कूल का स्टाफ था उन लोगों ने बोल दिया कि आप सब लोग जाइए बाहर, हम आपको यहाँ नहीं रहने देंगे। उसके बाद वैक्सीन देने वाले जो लोग हैं यहाँ पे वो बाहर चले गए। ऑफिस से सब लोगों को वैक्सीन दी गई, लेकिन फाइनली दोपहर में वो स्कूल वालों ने वापस बोला कि आप ऊपर चले जाइए, बहुत धूप है, आप लोग ऊपर चले जाइए। 2 क्लास हमें अलॉट कर दिए, वहाँ पे हम अभी हैं। मैं ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन रूम में हूँ इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बाय द वे स्कूल बहुत अच्छी है, उन लोगों की सर्विस भी बहुत अच्छी है, उन लोगों ने काफ़ी हद तक ये कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन सिचुएशन जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तब पता नहीं चलता। जिस को नहीं पता है तो उनको मैं बता दूं, आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्लॉट बुकिंग करना कंपलसरी है। हाँ, बहुत लोगों की कंप्लेन है कि हमें मैसेज नहीं मिल रहा, तो इट्स ओके, आप अपने पास जो स्क्रीनशॉट है या तो आप कोविन वाली वेबसाइट या आरोग्य सेतु में भी जाए तो अगर आपके पास स्लॉट बुकिंग है तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। मैसेज में थोड़ा इश्यू आता है, मैसेज आता है नहीं आता है, लेकिन मोस्टली केस में मैसेज आ जाता है। तो आप वेट कीजिए, या तो नहीं है, नहीं आया मैसेज, तो आप वो एप्लीकेशन यानी आरोग्य सेतु से आपने किया तो वो लेके जाइए और उनको दिखाइए रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को
कि भाई हमने रजिस्ट्रेशन किया है, तो वो भी समझ जाएगा और वो अपने डेटाबेस में आपको देखेगा। अगर आप हैं तो गो, अगर नहीं है तो आप वेट कीजिए, वो भी आपको वही बोलेगा। और प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर नहीं हो रहा रजिस्ट्रेशन या स्लॉट तो टेंशन मत लीजिए, पैनिक मत होइए, आज या कल आपका नंबर आएगा ही आएगा, क्योंकि आप इंडियन सिटीजन हो और इस पे आपका हक बनता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी मेरे हिसाब से। अगर कहीं ना कहीं गलती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई नो मैं बहुत कुछ शूट नहीं कर पाया हूँ, तो इसकी वजह से सॉरी, क्योंकि मेरे पास फ़ोन था, मैं कैमरा ले नहीं गया था, और अगर ले गया होता तब भी मैं मैनेजमेंट में बिजी था, वहाँ पे थोड़ा इशू आया था, इसीलिए अभी सॉरी बोलता हूँ। मेरी काफ़ी सारी वीडियो है तो आप वो भी देखिए, वो भी आपको अच्छी लगेगी। बाय बाय, गुड बाय, आप अपना ध्यान रखिए और अपनी फैमिली का।